दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने राकेश अस्थाना, मोदी सरकार ने की नियुक्ति। 31 जुलाई को सेवानिर्मित हो रहे अस्थाना को कुछ दिन पहले ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अस्थाना अगले एक साल तक दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहेंगे। 1984 बैच के आईपीएस अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक भी रहे हैं। गुजरात काडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक अस्थाना को तत्काल प्रभाव से अपना पद संभालने को कहा गया है। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे अस्थाना को कुछ दिन पहले ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अस्थाना अगले एक साल तक दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहेंगे। 1984 के आईपीएस अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक भी रहे। उस दौरान उनका तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के साथ विवाद सुर्खियों में आया था। इस विवाद में सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। राकेश अस्थाना ने झारखंड के नेत्रहार विद्यालय से पढ़ाई की है। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की थी। आईपीएस में चयन के बाद उन्हें गुजरात कैडर मिला था। आपको बता दें कि सीबीआई में रहते हुए तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ हुए विवाद के बाद राकेश अस्थाना काफी चर्चा में रहे थे। हालांकि विवाद के बाद उनका तबादला सीबीआई से कर दिया गया था और राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त होने के बाद आईटीबीपी महानिदेशक एसएस सेसवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अस्थाना इससे पहले डीजी बीएसएफ का पद भी संभाल रहे थे। कोरोना वैक्सीन 2 साल से 17 साल तक के बच्चों पर कोवैक्स के दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिली। और आपको बता दें इस ट्रायल में देश भर के 10 जगहों पर 920 बच्चों का परीक्षण होगा। इसमें 2 साल से लेकर 11 साल और 12 साल से 17 साल की उम्र के एक एक वर्ग में 460 बच्चे रहेंगे। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट में बने कोवैक्स टीके में 2 से 17 साल तक के उम्र के बच्चों को दूसरे चरण के ट्रायल को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। दूसरे चरण के ट्रायल के सीरम ने संशोधित प्रोटोकॉल पेश किए थे जिनमें बच्चों को शामिल करने की पेशकश की गई थी। विशेषज्ञों की समिति ने इसे तरजीह देते हुए बच्चों पर ट्रायल की सिफारिश की है। तीसरे चरण को अगर बात करें तो बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। इन आशंकाओं के बीच ये ट्रायल सफल हुआ तो बच्चों के टीकाकरण की राह खुल जाएगी।